अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। ख़वातीन हज़रात और पीस टीवी पर इस प्रोग्राम को देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, मैं आप सब की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्रोग्राम का आगाज़ क़ुरान पाक की तिलावत से होगा, इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई के उस्ताद कारी तौफीक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। कारी तौफीक साहब, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صدق الله العلي العظيم. جزاك الله قاری صاحب. قاری صاحب نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 اور 57 کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. سامعین کرام، خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار مجلس میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے میں خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہم
जिसकी तकरीर सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो कौन सी शख्सियत है? वो एक ऐसा शख्स है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 42 साल है, जो इस्लाम और तकाबुल मज़हब पर लिखी गई कई किताबों का मुसन्निफ है, जिसने दुनिया के बहुत सारे लोगों को हैरत में डाल रखा है। जब वो बात करता है तो बेशुमार सुनने वालों पर उसकी बात का असर जादू की तरह होता है। वो जब बोलता है तो बामकसद बोलता है और बिला तकान बोलता है। वो एक बेबाक मुकर्रर है और ऐसा मुकर्रर कि उसकी बात सुनकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये हैरत अंगेज शख्स आलम इस्लाम ही नहीं, मगरबी दुनिया और शमाली अमरीका के मुल्कों में भी इस्लाम की सच्चाई, कुरान की बड़ाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत और रिसालत के झंडे लहरा रहा है। गुज़िश्ता 10 बरसों में दुनिया के बहुत सारे ममालिक जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, सऊदी अरबिया, अरब इमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, गयाना, साउथ अमेरिका, त्रिनिडेड, इटली और दूसरे मुल्कों में 1000 से ज़्यादा उस शख्स ने अवामी तकरीरें की हैं। अलगर्ज दी अजान कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वो हैरत अंगेज शख्स, उस शख्स को दुनिया डॉक्टर जाकिर नायक के नाम से जानती है। डॉक्टर जाकिर नायक ने न सिर्फ इस्लाम का मुताला किया बल्कि दीगर मजाहिब की मुकद्दस किताबों का गहराई के साथ मुताला किया और उन मजाहिब की जो अहम शख्सियतें थीं उनके साथ इल्मी मुजाकरे किए और उनमें हिस्सा लिया। इसी तरह का एक मुजाकरा विलियम कैम्बल के साथ शिकागो अमेरिका के अंदर हुआ अप्रैल सन 2000 में, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक ने हक का परचम लहराया और कामयाबी से हमकिनार हुए। सच फरमाया अल्लाह ने, जा अल हक व जहक अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल पस्त हो गया, और बातिल आया ही इसलिए है कि वो पस्त हो जाए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि महफिले कौनो मकाम सहर व शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफत जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। कामयाबी के साथ हम किनार हुए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब से शिकागो क्रॉनिकल के एक रिपोर्टर ने उनसे कहा, मिस्टर नायक, मुजाकिरे में आपकी जीत के बाद आपके क्या एहसासात हैं? तो डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह हरगिज मेरी जीत नहीं, अल्लाह और कुरान की जीत है, यह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत है। मैं किसी शख्स और किसी मजहब को यहाँ जलील करने नहीं आया हूँ। आज हम उनका खिताब सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिनकी तकरीर का उन्वान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। आइए हम उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। मुबल्लिग इस्लाम और दाई इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलल्लाह व खातमुन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरलि अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, और करोड़ों लोग जो पीस टीवी पे इस तकरीर को सुन रहे हैं, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह सुभान व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौक़ों पर कोशिश करता हूँ कि उर्दू या हिंदी में तकरीर करूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो ज़ाहिर है कि इस उर्दू और हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा, इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं इन गलतियों के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की ये तकरीर बम्बई में मेरी पहली उर्दू तकरीर है। छोटे मोटे तकरीर मैं कर चुका हूँ पहले बम्बई में, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ऑर्गेनाइज्ड ये पहली उर्दू तकरीर है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचे और जो भी गलतियाँ होंगी वो मेरे तरफ से है और शैतान की तरफ से है और जो भी हक की बात निकलेंगी वो सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से है। आज की तकरीर का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मजहब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मजहब तब से है जब से इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुभान व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नज़ीर, ये नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है मिश्कातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 और 266 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे। 1,24,000 जिक्र आता है कुरान मजीद में सिर्फ 25 का, लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है, बाइबल में
ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने साथियों से, ही टेल्स टू हिज अपोस्टल्स, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटींस, बट रादर गो टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इज़राइल. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Isa alayhi salam kehte hai, Gospel of Matthew mein, chapter number 10, verse number 5 aur 6 mein, apne saathiyon se, apne apostles se, aap Gentiles ki taraf mat jaiye. Gentiles wo log hai, jo gair Yahudi log hai. Misal ke taur pe, हिंदू मुस्लिम, आप गैर यहूदी के पास मत जाइए, लेकिन जाइए सिर्फ उन लोगों के पास जो भटके हुए बनी इसराइल है. ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इसराइल, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के पास. तो इससे साबित होता है कि कुरान और बाइबल दोनों ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. और मैंने तकरीर के शुरू में एक कुरान मजीद की आयत की तलावत की थी, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हान फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा आदम मिर्जालकुम वलाखि रसूलल्लाह वह खातम नबीन वकान अल्लाह बिकुल शैन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है और खातम नबीन है, आखिरी नबी है. अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और इल्म रखने वाला है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर थे. वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतलिल आलमीन, के हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. और अल्लाह सुबहाना व तआला ये पैगाम दोहराते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके. लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती. हम मुसलमान क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुबहान तआला कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे. लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे. लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा, इंशाल्लाह उसे यकीन हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह सुबहान तआला का है. और मैंने एक तकरीर दी थी इसी ग्राउंड में, इसी स्टेज पे, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, अंग्रेजी में तकरीर थी, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है. अगर कोई भी गैर मुसलमान अगर इस तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाल्लाह इस तकरीर में मैंने साबित किया हूँ रीज़न, लॉजिक और साइंस के साथ, मंतिक और साइंस के साथ, कि कुरान मजीद अल्लाह सुबहान तआला कलाम है.
तो कोई भी गैर मुस्लिम अगर ये तकरीर को सुनेगा खुले जहन से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको इस किताब पे यकीन करना होगा कि ये किताब अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की मेरे नजदीक ये दावती मैदान में मैं इसे कहता हूं मास्टर की, मास्टर की यानी सारे तालों को खोलने वाली चाबी मास्टर की। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों का हवाला देते हुए गैर मुसलमानों को यह साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के लिए भी आखिरी पैगंबर है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो जरूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्में में बांटी गई है, एक है श्रुति दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड अंडरस्टैंड परसीव, श्रुति की माने है वही समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इंफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है, मिसाल के तौर पे पुराणस है, इतिहास है, रामायण महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफिशियल फॉर्मूलास, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलास, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से जो आर्य समाज के बानी हैं वो कहते हैं वेद
131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली, या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणस है, इतिहास है। पुराना, जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में, पुराना मतलब एंशिएंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, पहले यह हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। यह संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवियर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7-8 जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये दो श्लोक मंत्रा जो भगवद गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये दो श्लोक के जरिए भागवत पुराना और भगवत गीता का यह फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुभान व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं, हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर।
हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुबहाना उताला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस, इसके मानी है कि अल्लाह सुबहाना उताला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये माननी जो कुछ हिंदू विद्वान की है बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे उपनिषद पढ़ेंगे अवतार का जिक्र नहीं है लेकिन वेद में कई ऋषि कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं हमें पता लगता है कि जो श्लोक मैंने पढ़ा इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं, हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8 तक, इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको पंच ग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5-8 में लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ और हम जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे।
कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलिवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लकब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लकब दिया जाता है फैरो फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लकब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे हैं 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त है। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेच्छा इस जमीन को खराब कर चुके, एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है और इन दुश्मनों को नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को सीधी राह दिखाएंगे। और ए राजा भोज, तुम्हें पिशाचास की जमीन पर जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुमको इसी जगह पाक करूंगा। और एक इंसान आते हैं फरिश्ते के रूप में और कहते हैं कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म कायम करने के लिए, दिनुल हक, और मेरा मानने वाला वो शख्स है, वो आदमी है जिसकी खतना हो चुकी है, जिसके सिर पे चोटी नहीं है, जिसके सिर पे शेंडी नहीं है, जो दाढ़ी रखता है, जो इनकलाब बरपा करता है, जो अच्छे काम करता है, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जो सारे हलाल चीजें खाता है लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाता, वो भाजीपाला घास फूस खाने से पाक नहीं होता लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेने से पाक होता है, इन इंसानों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी जो है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में लिखा है कि एक शख्स को भेजा है ईश्वर ने जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग को सीधी राह दिखाने के लिए। और एक फरिश्ते के रूप में राजा के पास आता इंसान और कहता है कि मेरा मानने वाला वो इंसान है हु इज सर्कमसाइज, जिसकी खतना हो चुकी है, जो सिर पे शेंडी नहीं रखता है और दाढ़ी रखता है और इनकलाब बरपा करता है और लोगों में इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है लेकिन खंजीर का गोश्त सुअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर, और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है, और ये लोग घास फूस हर्ब्स श्रब्स भाजीपाला खा के पाक नहीं होंगे लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि सातों शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं
के अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्छा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि, आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, मंत्र नंबर 14 में, इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके माने आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है, और अब मैप देखेंगे, मैप में भी आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। तो कुंटप सूक्त हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले चार का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, वर्स नंबर 1, वो है नरशंसा, वो है कौरमा, जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होके आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महा ऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नरशंसा। नरशंसा आता है नर्क से, जिसके मानी है आदमी, शंसा के मानी प्रशंसा के लायक। वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, यानी अमन का शहजादा। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, के हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और तारीख इसकी गवाह है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सिर्फ अमन फैलाए। तो कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन फैलाता है, अमन का शहजादा। कौरमा के दूसरी मानी है इमिग्रेंट, वो इंसान जो हिजरत करता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। और इसी मंत्रा में लिखा है कि उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम जानते हैं कि मक्का की आबादी उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तकरीबन 60,000 थी, और ये सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे पहले। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 11 में मंत्र नंबर 202 में कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि ये ऋषि हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है मामा ऋषि। मामा के एक मानिए महा ऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेप। विश्वेश रेप के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आजाब का जिक्र आता है, जंग आजाब का, सूरह आजाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में, जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ आजाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000, और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई, बिना जंग लड़े ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है, और जैसे मैंने कहा इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, जो वो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे, और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फिन, ऑर्फिन जिसकी कोई वालदेन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरे मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1 हिम नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुश्रामा, और सुश्रामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। जब हम सामवेद पढ़ते हैं, सामवेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मां का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। सामवेद उत्तरचिक मंत्र नंबर 1500, सामवेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्ववेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में
कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे, नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से जिसके मानी है आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नरशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 27। सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में, वो है कल्कि अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराना में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18-20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु व्यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संबाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल्कि अवतार, और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत हो गए, 8 नेक गुण हो गए, और ये आएंगे एक घोड़े पे सीधे हाथ में तलवार लेके और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराना में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कलयुग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु व्यास के घर में पैदा हो गए कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का जिक्र आता है कल्कि पुराना में भी चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु व्यास के घर में पैदा होंगे कल्कि अवतार जो संबाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल्कि अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल्कि अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल्कि पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल्कि अवतार जन्म लेंगे विष्णु व्यास के घर और सुमति की कोख में, सुमति की कोख में। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल्कि अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं, इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, व्यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला।
इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के मां का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर। और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे। और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है। और अल्लाह सुबहान व ताला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना के तरफ, शिमाल के तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के कई क्वालिटीज़ है, कई अच्छे गुण हैं। और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दिए जाएंगे। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनियज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। पर हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनियज, इज्जतदार घराना। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे। पॉइंट नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज को तोलते थे, और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था। पॉइंट नंबर 7 अटमोस्ट चैरिटी, वो बहुत खैरात करते थे, और कई इंसान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे जीते थे। पॉइंट नंबर 8 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का, और खुसूसन अंसार का। जब मदीना जाते हैं उन लोग का शुक्रिया अदा करते थे। ये 8ों गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल्कि अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। 10th पॉइंट
कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। हम जानते हैं कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरो व नज़ीरो, कि हमने तुम्हें भेजा है एक आलमी पैगंबर बना के ताकि आप लोग को खबरदार कर सको और उनको बशारत दो। लेकिन अक्सर इंसान अब भी नहीं जानते। इस कल के अवतार का जिक्र होता है कि देवता इन्हें एक सफ़ेद घोड़ा देंगे, और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था बुराक। आगे जिक्र आता है कि ये कल के अवतार घोड़े पे सवार होके सीधे हाथ में तलवार लेके सफ़र करेंगे, और हम जानते हैं कई बार जंग के मैदान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया वो घोड़े पे सवार होके उनके सीधे हाथ में तलवार थी। आगे लिखा है कि ये कल के अवतार गुमराह लोग को सीधी राह दिखाएगा, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था यौमुल जाहिलिया का दौर, और उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान, और कुरान के जरिए ये जाहिल लोग को अल्लाह सुबहाना व तआला ने हिदायत दी। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि ये कल की अवतार के चार साथी हो गए। ये चार साथी हम जानते हैं, पहले चार खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी प्रीत विद मौल रदियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि ये चारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और पॉइंट नंबर 15 कि देवता इनकी मदद करेंगे जंग के मैदान में। हम जानते हैं कि कई जंग और खुसूसन जंग बदर में कुरान में जिक्र आता है सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 में और 125 तक के, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 9 में जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की फरिश्तों ने जंग के मैदान में। तो ये था मुख्तसरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। अब हम तहकीक करेंगे पारसी मजहब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जिक्र आता है। पारसी मजहब के बानी हैं ज़ोरास्टर, और इसे कहते हैं ज़ोरास्टरिज्म भी, और ये वजूद में आया पर्शिया में 2500 साल पहले, और इन लोगों को कहते हैं फायर वर्शिपर्स, आग के पुजारी। पारसी मजहब में दो किस्म के मजहबी किताबें हैं, दसातीर और अवेस्ता। दसातीर के दो हिस्से हैं, खुर्दा दसातीर और कलन दसातीर, या खुर्दा अवेस्ता और कलन अवेस्ता, और अवेस्ता को कहा जाता है जंद अवेस्ता भी। इसके दो हिस्से हैं जंद और महाजंद। कुछ पारसी ये मानते हैं कि अवेस्ता दसातीर से और ऊंची किताब है, और कुछ पारसी मानते हैं कि दसातीर अवेस्ता से ऊंची किताब है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों किताबों का हवाला दे, दोनों किताबें क्या कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इंशाअल्लाह उसका जिक्र करेंगे। जब हम पढ़ते हैं जंद अवेस्ता फरवदिन यश्त चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 129 में लिखा है कि वो मानने वाले वो नेक धर्म के सोशंत के जो सोशंत में यकीन करते हैं ये लोग धर्म को आगे लेके जाएंगे। इससे मालूम पड़ता है इस भविष्यवाणी में लिखा है कि सोशंत के मानी हैं जो तारीफ के लायक है, अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि जिस तरीके से पारसी सच्चे लोग हैं उसी तरीके से बाद में ऐसे लोग आएंगे जो पुरानी किताब में मानेंगे और सोशन के मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आगे लिखा है जंद अवेस्ता में फरवदिन यश्त चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 129 में कि उसका नाम है विक्टोरियस अस्तवित अरेता, उसका नाम है सोशियन, उसका नाम है फतह। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में सफलता पाए और फतह पाए,
और अब जानते फतह मक्का के बारे में। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उसका नाम है सोशियंत। सोशियंत, अगर आप हेस्टिंग्स इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि सोशियंत के मानी वो आदमी जो तारीफ के लायक है। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उसका नाम है अस्तवित अरेता। अस्तवित अरेता मानी वो इंसान जो तारीफ करता है, वन हु प्रेजेस। अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है। आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जंत अवेस्ता में जमयद यश्त चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 95 में कि ये अस्तवित अरेता के मानने वाले, ये अस्तवित अरेता के साथी वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे आमाल करते हैं और कभी भी उनकी जबान भी एक भी झूठ कभी भी नहीं कहा। ये जिक्र हो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में, ये अस्तवित अरेता के साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा का जिक्र हो रहा है कि ये लोग सच्चे लोग हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा जिक्र करते हैं, हमेशा अच्छे अमाल करते हैं और कभी भी उनके जबान से एक भी झूठ कभी भी नहीं निकला। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है दसातीर में, दसातीर जो पारसियों की किताब है, दूसरी किताब है। दसातीर आता है दस मतलब दस और तार मतलब किताब, दस किताब को कहते हैं दसातीर। इसमें लिखा है कि जब पारसी ज़ोरास्ट्रियन भटक जाएंगे उस वक्त एक आदमी आएगा रेगिस्तान से और उनके मानने वाले दे विल सब्जुगेट द पर्शियंस, वो पर्शियन लोग को हराएंगे और हुकूमत करेंगे उनके जगह पे, तस बल्ख और खेन पे, पर्शिया पे। और ये मानने वाले सच्चे लोग होंगे और वो अपने घर में आग की पूजा नहीं करेंगे लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा की तरफ देख के वो लोग इबादत करेंगे जब काबा में बुध नहीं होंगे। और ये लोग इनकलाब बरपा करेंगे। ये भविष्यवाणी हुबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके सहाबा के बारे में। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है जंत अवेस्ता में बुंदाइश चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 6 से 27 में, क्या ये सोशियंत एक आखिरी पैगंबर है। सोशियंत, जैसे मैंने कहा कि मानी है वन हुज प्रेज़वर्दी, अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आखिरी अंतिम पैगंबर है। तो जब हम पारसी किताब पढ़ते पता लगता है कि पारसी किताबों के हिसाब से भी, पारसी मजहबी किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम तहकीक करेंगे कि बुद्ध मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। अक्सर सारी बुद्ध मजहबी किताबों में मैत्री का जिक्र है। जब आप पढ़ेंगे चिक्कत वस्तंता D376 इसमें लिखा है कि एक बुधा आएगा, एक मैत्री जो नेक है, जो दयालु है, जो हक पसंद है, और जो भी वही नाजिल होगी वो सारी इंसानियत को फैलाएगा और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरू में, ऊंचाई पे और आखिर में। और उनके मानने वाले हजारों में होंगे जिस तरीके से मेरे मानने वाले सैकड़ों हैं। यह भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट में वॉल्यूम नंबर 35 पेज नंबर 225 में। सेम भविष्यवाणी इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे पैगंबर आएंगे जिनके मानने वाले की तादाद हजारों में है और मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों में हैं। यह भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में पेज नंबर 217 एंड 218 में, जब अनंदा बुद्धा के जो साथ रहते थे
जो सर्विट्यूड थे उनके, जो उनके गुलाम थे, अनंदा पूछते बुद्धा से, क्या ए बुद्धा, जब आप चले जाएंगे तो हमें सीधी राह कौन दिखाएगा? बुद्धा फरमाते हैं कि मैं इस जमीन पे पहला बुद्धा नहीं हूं, ना ही मैं आखिरी बुद्धा हूं, और एक बुद्धा आएगा जिसका नाम है मैत्री, जो नेक इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो दयालु इंसान है, और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरुआत में, ऊंचाई पे और आखिर में, और वो सारे लोगों को ये सच्चा धर्म फैलाएगा। और जिस तरीके से मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों की तादाद में हैं, उसके मानने वाले हजारों की तादाद में होंगे। ये तीनों भविष्यवाणी में जिक्र आता है मैत्री का। मैत्री के मानी रहमत, दयालु, अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है रहमत। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, 409 जगह लिखा है रहमत, ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 409 बार आता है, और साफ तौर पे लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन, हमने नहीं तुम्हें भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन में, सारे जहां में, सारे इंसानियत के लिए। तो ये मैत्री जो जिक्र करते बुद्धा, इशारा है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आगे जब हम पढ़ते हैं सेक्रेट बुक्स ऑफ इस्लाम में लिखा है वॉल्यूम नंबर 11 में सफा नंबर 36 में, मां परी निब्बान नसुता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32 में, कि बुद्धा कहते हैं कि हम तत्ता घता, हम बुद्धा, हम कोई चीज छुपाते नहीं, हम जो भी पैगाम देते खुल के देते हैं। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वही आई, उन्होंने अपने सहाबा से कभी नहीं कहा कि इस वही को छुपाओ, इस पैगाम को छुपाओ, और उनने कहा कि इस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाओ। आगे जब पढ़ते हैं सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 97 में, महापरिनिब्बाना सुता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 36 में लिखा है कि जिस तरीके से बुद्धा का एक गुलाम था जिसका नाम था अनंदा, उसी तरीके से इस मैत्री का भी एक गुलाम होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो बचपन से जिसने दिया, और हम कह सकते हैं जो अनंदा के मुकाबले में, वो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालदेन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी पीज़न फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ़ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहुद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र थी सिर्फ 16, और जब आर्चर, जब तीर अंदाज जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं जब पागल हाथी बुद्धा की तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 214 में लिखा है सफा नंबर 214 में कि बुद्धा के 6 सिफात है, जो बुद्धा आने वाला है उसके 6 सिफात है। पहला कि उसे जब वही आएंगी तो उसका चेहरा खिलेगा। नंबर 2, वही आएंगी रात के वक्त। नंबर 3, ये बुद्धा एक नेचुरल डेथ मरेगा, कुदरती मौत उसे आएगी। पॉइंट नंबर 5,
यह बुधा जब मरेगा उसका चेहरा खिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, यह बुधा जब मरेगा फिर कभी भी इस जमीन पे नहीं दिखाई देगा। ये 6 के 6 सिफात अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ेंगे हूबहू ये 6 चीज मिलते हैं। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जब आई तो उनका चेहरा खिल गया, और सबसे पहली वही आए जब वो गारे हिरा में थे और रात का वक्त था, जैसा जिक्र आता है कुरान में सूरह दुखान में सूरह नंबर 44 आयत नंबर 2 और 3 और सूरह कदर सूरह 97 वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1 जिसमें लिखा है कि बेशक कुरान नाजिल किया गया है रात के वक्त लैलतुल कद्र के वक्त। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत एक कुदरती मौत थी, इट वॉज नेचुरल डेथ। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उनका चेहरा खिला हुआ था। और जो आखिरी पॉइंट है 6ठा पॉइंट है, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होने के बाद वो इस दुनिया में कभी भी नहीं आएंगे। ये 6 के 6 गुण हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं धम्मा पढ़ बुद्धिस्ट की किताब सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 67 में लिखा है कि ये बुद्धा ये पैगंबर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 21-22 फजक्किर इन्नमा मुजक्किर कि पैगंबर का काम है सिर्फ जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और इसी धम्मा पढ़ में लिखा है सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 10 पेज नंबर 67 में कि जन्नत में जाने के लिए नेक आमाल भी जरूरी है। और इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह अल असर में सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 में वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन आमनु व अमिलु सालिहाती व तवासौ बिल हक तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हान व तआला कसम खा रहे वक्त की असर की कि बेशक इंसान खसारे में है, सिर्फ वो इंसान खसारे में नहीं जिनके पास 4 चीज़ें हैं, ईमान अमल सालिहात व तवासौ बिल हक जो हक की तरफ बुलाते लोग को और व तवासौ बिस सब्र जो लोग को सब्र की तरफ बुलाते। इनमें से एक चीज जरूरी है जन्नत में जाने के लिए वो है नेक आमाल अमल सालेहात। और इसी तरीके से जब हम बुद्ध मजहबी किताब पढ़ते हैं इस मैत्री के कई गुण हैं कि वो दयालु है, वो रहमत वाला है, नेक है, सच्चा है, हक पसंद है, कई गुण। ये सारे गुण अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ते हैं हू बहू उनमें मौजूद है। अब हम तहकीक करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यहूद मजहबी किताबों में। पहले हम ये समझ ले कि बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टमेंट एक है न्यू टेस्टमेंट, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। सारे पैगंबर जो ईसा अलैहि सलाम के पहले आए उनके बारे में जिक्र आता है पुराने अहदनामे में। नए अहदनामा में न्यू टेस्टमेंट में जिक्र है द लाइफ अबाउट जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, सीरत है ईसा अलैहि सलाम के बारे में। जब हम देखते हैं बाइबल, बाइबल में टोटल 73 बुक्स है, न्यू टेस्टमेंट में है टोटल 27 बुक्स। लेकिन जब हम पढ़ते क्रिश्चियन बाइबल 2 किस्म के हैं, एक है प्रोटेस्टेंट एक है कैथलिक। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि 7 किताबें पुराने अहदनामा में गलत है, डाउटफुल, सही नहीं है, और 7 किताबों को फेंक दिया गया बाहर। तो कैथलिक्स मानते हैं 73 बुक्स बाइबल की। न्यू टेस्टमेंट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में न्यू टेस्टमेंट में 27 किताबें हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में कैथलिक में है 46 और प्रोटेस्टेंट में है 39। अब हम तहकीक करेंगे कि यहूद मजहबी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 इसमें लिखा है आई शैल रेज दी अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दाय ब्रदरिन लाइक एन टू धी एंड आई शैल पुट माई वर्ड्स इन टू हिज माउथ एंड ही शैल से ऑल दैट आई कमांड हिम। ये भविष्यवाणी बुक ऑफ डिट्रॉनमी की है चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 जिसमें खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से
आई शैल रेज दे प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रदरिन लाइक एन टू दी, मैं एक पैगंबर ले आऊंगा आपके भाइयों में से, फ्रॉम योर ब्रदरिन लाइक एन टू दी, जो आपके जैसा होगा. आई शैल रेज दे प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रदरिन लाइक एन टू दी एंड आई शैल पुट माई वर्ड्स इन टू हिज माउथ, और मैं मेरे अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा. एंड ऑल दैट हियर शैल स्पीक, और वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा. इससे ये मालूम पड़ता है, इस भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि एक पैगंबर आने वाला है जो मूसा अलैहि सलाम जैसा है. ईसाई कहते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहि सलाम के बारे में है. हम जब उनसे पूछते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्यों है, तो ईसाई कहते हैं इस भविष्यवाणी में लिखा है कि ये पैगंबर मूसा अलैहि सलाम जैसा है. और जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम यहूद थे, ईसा अलैहि सलाम भी यहूद है. मूसा अलैहि सलाम एक पैगंबर थे, ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर है. अगर ये दो चीज काफी है भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कि वो इंसान को पैगंबर होना चाहिए और यहूद होना चाहिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है मूसा अलैहि सलाम के बाद, मिसाल के तौर पे सुलेमान अलैहि सलाम, डैनियल, एज़ेकील, आइज़ाया, जोएल, होज़िया, ये सारे पैगंबरों में दोनों चीज है, वो पैगंबर थे और यहूद थे, तो ये सारे के सारे मूसा अलैहि सलाम जैसे हैं. लेकिन जब हम तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम जैसे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तहकीक पे ये पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के वालदेन थे, वालिद थे और वालदा भी थी. ईसा अलैहि सलाम की सिर्फ वालदा थी, वालिद नहीं थे. तो मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसा है, और ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम यकसा नहीं है. हम ये भी जानते हैं कि मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे थे. ईसा अलैहि सलाम बाइबल के मुताबिक उनकी शादी नहीं हुई और ना ही उनके कोई बच्चे थे. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है. आगे जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की मौत एक फितरी मौत थी, दे हैड अ नेचुरल डेथ. लेकिन ईसा अलैहि सलाम की फितरी मौत नहीं थी. कुरान के मुताबिक सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया. और ईसाई समझते हैं कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम को सूली पे चढ़ाया गया है. मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं तकरीर किया हूं साबित करने के लिए कि ईसा अलैहि सलाम की मौत सूली पे नहीं हुई. लेकिन जो भी है, सूली पे मौत हुई कि नहीं, मुसलमान और ईसाई दोनों मानते हैं कि ये कुदरती मौत नहीं थी. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है. आगे जब तहकीक करते पता लगता है मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने एक नया कानून ले आए. लेकिन ईसा अलैहि सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19, 20 में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. आप मत समझो क्या मैं आया हूं पुराने कानून को तोड़ने के लिए, लेकिन आया हूं पुराने कानून को मुकम्मल करने के लिए. तो इससे पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं थे. आगे जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लोगों ने उनको माना और कबूल किया कि वो पैगंबर थे, लेकिन ईसा अलैहि सलाम के अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया. ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में, ही अप्रोच्ड हिज ओन एंड हिज ओन डिड नॉट रिसीव हिम. जब ईसा अलैहि सलाम अपने लोग के पास गए, उनके अपने लोग ने उन्हें कबूल नहीं किया, उनका इस्तकबाल नहीं किया. मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होने के अलावा उनके पास
एक राजा की कुव्वत थी, मतलब वो अगर कोई इंसान सजाए मौत का हकदार था, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सजाए मौत दे सकते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी मुल्कियत ये दुनिया की नहीं है। तो ये तहकीक करने के बाद पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है। तो ये भविष्यवाणी, ये पेशन गोई जो बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में जिसमें कहा गया है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे होंगे ये पैगंबर, ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई नहीं। इसके आगे लिखा है आई शैल रेज अ प्रॉफेट फ्रॉम अमंग थy ब्रदरिन, मैं एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो आपके भाइयों में से है। और हम जानते हैं कि यहूद और अरब रिश्तेदार है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल को कहते यहूद और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को कहते अरब। तो अरब और यहूद दे आर कजिन्स, रिश्तेदार है। इसमें लिखा है आई शैल रेज द प्रॉफिट फ्रॉम अमंग थy ब्रदरिन लाइक अन टू दी एंड आई शैल पुट माई वर्ड्स इन टू हिज माउथ एंड ही शैल से ऑल दैट आई कमांड हिम। इसमें आगे लिखा है कि मैं मेरे अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा और वो वही कहेगा जो मैं कहूंगा। ये भविष्यवाणी, ये पेशन गोई हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रही है। आगे लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, अगर कोई इंसान इस पैगंबर में नहीं मानेगा मैं उससे दुश्मनी करूंगा, आई विल टेक रिवेंज ऑफ हिम, मैं उससे बदला लूंगा। आगे लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, व्हेन इट इज सेड टू हिम प्रे रीड दिस ही विल से आई एम नॉट लर्नड, जब उससे कहा जाएगा कि पढ़ो तो वो कहेगा मैं अनपढ़ हूं। और जब सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, जब जिब्रील सलाम कहते हैं इकरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं मा अना बिखारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। तो पहली वही जब नाजिल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कहा गया था इकरा पढ़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिखारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। हू बहू जो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र आता है, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाजिल हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में नाम से भी है। जब आप पढ़ते ओल्ड टेस्टमेंट सॉन्ग ऑफ सॉलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 इसमें लिखा है कि हिक्को मोहम्मद तकिम विकुल मोहम्मद दिम जैदूदी जैराई बैना जेरूसलम, ही इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल्टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवड, ही इज माई फ्रेंड ओ डॉटर ऑफ जेरूसलम। इसमें तर्जुमा किया गया है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार करने वाला है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा चाहने वाला है ओ डॉटर ऑफ जेरूसलम। इसके अंदर जो लफ्ज मोहम्मद दिम जो लफ्ज है उसका तर्जुमा किया गया है ऑल्टुगेदर लवली, वो बहुत प्यार करने वाला है। मोहम्मद इम सेमिटिक लैंग्वेजेस में इज्जत देने के लिए इम जोड़ा जाता है, मिसाल के तौर पे एला मतलब खुदा, उसको जोड़ा जाता है इम एलोहिम, खुदा को रिस्पेक्ट के लिए। उसी तरीके से मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मद इम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से है सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में। कुरान मजीद में साफ लिखा है सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, जो इस तकरीर के पहले कारी साहब ने तिलावत की थी, कि वो लोग मानेंगे एक अनपढ़ पैगंबर में जिसका जिक्र है उनके तौरा और इंजील में। तो कुरान मजीद में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तौरा और इंजील में। आगे जब पढ़ते लिखा है सूरह सफ में सूरह नंबर 61 में आयत नंबर 6 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे एक पैगंबर बना के बनी इसराइल के लिए,
और वो कहते हैं कि मैं आपको बशारत देता हूं एक ऐसे पैगंबर के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान मजीद में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तोरा और इंजील में है और उनका नाम अहमद है, वो भी आएगा बाइबल में। जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, ईसाई को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में दोनों में मानना चाहिए, फ़र्ज़ है, लेकिन वो न्यू टेस्टामेंट में और मानते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में लिखा है कि आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कम्फर्टर हु विल अबाइड विथ यू फॉर एवर। मैं कहूँगा खुदा से कि आपके लिए एक कम्फर्टर, एक मोहसिन भेजे जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में, एंड व्हेन माय फादर विल सेंड यू द कम्फर्टर ही विल टेस्टिफाई मी। और जब खुदा वो मोहसिन को भेजेंगे आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए, वो मोहसिन मेरे बारे में कहेगा। लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई गो नॉट अवे द कम्फर्टर शैल नॉट कम, फॉर इफ आई डिपार्ट शैल ही कम। तो गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में लिखा है, नेवरदलेस आई टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको हक बात कह रहा हूं, इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, क्या आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, फॉर इफ आई गो नॉट अवे द कम्फर्टर शैल नॉट कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा, फॉर इफ आई डिपार्ट शैल ही कम, मैं जाने के बाद ही वो आ सकता है। ये कंफर्टर, ये मोहसिन का जो जिक्र हो रहा है, जब हम पढ़ते हैं गॉस्पल में लव्ज इस्तेमाल किया गया है पैराक्लेटोस, पैराक्लेटोस के मतलब है मोहसिन, कंफर्टर, काइंड, दयालु, लेकिन सही लव्ज है पैराक्लेटोस। पैराक्लेटोस के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो तारीफ के लायक है, तर्जुमा हो जाता है अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो पैराक्लेटोस है या पैराक्लेटोस है, चाहे वो मोहसिन है रहमत वाला है या अहमद है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये चारों मानी अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ ईसाई कहते हैं कि ये मोहसिन जिसका जिक्र हो रहा है कम्फर्टर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो रूह कुद्दूस है। तो मैं उनसे कहता हूं इस कम्फर्टर, इस मोहसिन के आने के शरायत है, और एक शरायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है। जब ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे फिर ही ये मोहसिन इस दुनिया में आएगा। हम जानते हैं कि द होली स्पिरिट, रूह कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे, ही वॉज इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ, जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस टाइम थे। ये रूह कुद्दूस जिसके बारे में ईसाई कहते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। शरत कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है, तब ही ये मोहसिन आएगा। तो अगर ये मोहसिन रूह कुद्दूस है, तो बाइबल में कहा गया है कि रूह कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। जब एलिजाबेथ की कोख में जब थे उस टाइम रूह कुद्दूस थे, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले रूह कुद्दूस थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में थे उस टाइम भी रूह कुद्दूस थे। तो ये मोहसिन रूह कुद्दूस हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं और एक आखिरी पेशन गोई आपके सामने पेश करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट से, जो गॉस्पल ऑफ जॉन है चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12-14 में लिखा है। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही हियर शैल ही स्पीक, ही शैल ग्लोरीफाई मी। इस पेशन गोई में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू, मुझे बहुत कुछ चीजें आपसे कहना है, बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ, लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू अनटू ऑल ट्रुथ, वो जब हक का इंसान आएगा वो आपको सारी बातें कहेगा। ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ,
ऑल दैट हियर शैल स्पीक, वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा, ही शैल ग्लोरीफाई मी, वो मेरी तारीफ करेगा। ये पेशेंट गोई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इशारा कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है कि वह आखिरी पैगंबर है ईसाई मजहब की किताबों में भी। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सिर्फ कुरान में कहा गया है कि वह आखिरी पैगंबर है, लेकिन मुख्तलिफ मजहबी किताबों का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सारी मजहबी किताबों में है, ना ही कुरान में, लेकिन हिंदू मजहबी किताबों में, पारसी मजहबी किताबों में, बुद्ध मजहबी किताबों में, यहूद मजहबी किताबों में, ईसाई मजहबी किताबों में साफ तौर पे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आखिरत के दिन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम अल्लाह सुबहाना तआला नाजिल करेंगे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और मैं इस तकरीर को ख़त्म करूंगा कुरान मजीद की आयत से, सूरह कौसर से, सूरा नंबर 108 आयत नंबर 1, 2, 3। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिका वल अब्तर। हमने अता फरमाया है कौसर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाया है और वो अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी करते हैं। और जो कोई इनके दुश्मन हैं और जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं, हम उनकी जड़ काटते हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। अब हमारा दिलचस्प सेशन शुरू हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जिक्र कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहाँ कहाँ होता है। फरमाते हैं, दश्त में, दामने कोहसार में, मैदान में है, बहर में, मौज की आगोश में, तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्म अक्वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। अब हमारा, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई उम्दा सेशन शुरू हो रहा है। वो सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुकर्रर से सवालात कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मुकर्रर आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने के लिए चंद उसूल व जवाबित रखे गए हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सवाल करने वाला अपना नाम और प्रोफेशन बताए। दूसरी चीज़, सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा। इस बात को फिर नोट करें आज के इस सेशन में ख़ास तौर पर कि सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक से सवाल करने की पूरी पूरी आज़ादी हासिल होगी। पॉइंट नंबर 3, सवाल छोटा करें, मुख्तसर करें, कोई लंबी गुफ्तगू न करें, बल्कि अपना नाम और पेशा बताकर, प्रोफेशन बताकर फौरन सवाल शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 4, हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, अगर उनको चांस मिलता है तो, गैर मुस्लिम भाइयों के और बहनों के बाद अगर उनको मौका मिलता है तो उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक हों। इख्तलाफी और फ़िक्ही सवालात करने की बिल्कुल कतन इजाज़त नहीं होगी।
फिर से ध्यान में रखें, इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी हुआ तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे। आज के सेशन में 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। माइक नंबर 1 ख़वातीन यानी बहनों की तरफ है, माइक नंबर 2 सेंटर मरकज़ में बीच में रखा हुआ है, और माइक नंबर 3 मेरे बाएं जानिब रखा हुआ है। मैं अब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो माइक नंबर 2 है सेंटर में, यहां अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, माइक नंबर 2 से सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अमर दत्ता है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हान तआला से कि आपकी इंशाल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाएँ, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौकेदा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौकेदा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं, कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारियां उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज़ द प्रोप्यूस विच इज़ देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विथ इट। फर्दर मोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है, आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूँ कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है लेकिन इस्लाम में फर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश अंबोरे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल यह है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें, गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पर अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान, फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फ़र्क, हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है,
نام سے صرف چار کتابوں کا ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن، لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں، لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے، اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا، خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنیشد کا ہو، یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اوستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوا نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں۔ تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں۔ آپ کی وید میں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں۔ آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے۔ آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمینہ۔ وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبھالا میں، مکہ میں، وہ چیف آف سنبھالا میں، قریش کے خاندان میں، ساری چیزیں میں نے کہا۔ تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں بالکل۔ آپ مانتے خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے؟ بے شک۔ اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح۔ تو آپ یہ مانتے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق۔ تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتے۔ تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صرف زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق،
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा था कि माशाल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हान तआला से कि आप को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ख्वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो, कोई गैर मुस्लिम बहन हो, तो उनको मौका दिया जाए। माय नेम इज वनीता एंड आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं, एंड हुएवर इज नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। सो आई वॉन्टेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट कि हर एक आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है, तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि वाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम ऑल्सो डज गुड डेड्स, वाई दे विल गो टू हेल। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे आमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए चार शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन आमनु व आमिल सालिहाती व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। अल्लाह सुबहाना व ताला कसम खा रहे है वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जो चार चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये चार चीजें ईमान, अमल सालेहात, वतवासव बिल हक, वतवासव बिल सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से चार चीजें जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासो बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासो बिल सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना, चार चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान है, अमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो,
99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिलहक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासो बिलहक, वतवासो बिसब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे है, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग द पॉइंट। यू मोस्ट वेलकम। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो, माइक नंबर 2 में, तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनौन है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं, मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना, तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दीगर मजाहब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दीगर मजाहब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी, आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालव इला कलमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ, मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हक की तरफ आए। और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग, जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए, हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भाई। मेरा नाम महेश मेहता है, काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं, बाद में जो हजरे अस्वद है तो हजरे अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे, और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कसर देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई, माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजरे अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूँ चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत करता है, कोई भी मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं उमरा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके तरफ पढ़ते हैं, तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा हजरे अस्वद हमारे लिए किबला है, किबला मीन डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है
तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे। तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते हैं उमरा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महावर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो सेकेंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजरे अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेले कुछ अच्छा कर सकता है ना मेले कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इससे मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजरे अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आजान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं, और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन की तरफ माइक नंबर 3 में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून सवाल करना चाहती हो तो कर सकती हैं। माय नेम इज विजय लक्ष्मी एंड आई एम वर्किंग विद द शिपिंग कंपनी एज अ फ्लीट पर्सनल एग्जीक्यूटिव। And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, okay, what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the sunnatins and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful. And I couldn't explain, I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like, what is Allah? I want to tell them, ki, what is Allah? Like, you just ask one thing. Like, today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan.
and I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your butt. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, you know, the confidence, the faith in whatever asks, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had not never seen in all these years in my life. But now I feel that. It's like I can't explain in which world I have come to into now. But the same way, I want to explain my parents ki what Islam is. But they're not ready to accept ki what it is. How am I supposed to make them explain who is Allah? What is Allah? Sister, that's a very good question. Bhen ne sawal kiya hai ke wo chahti thi. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. Bhen ne sawal kiya hai ke wo chahti thi ke Quran Majid padhe. और चंद महीने पहले, दो तीन महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है, और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम थे उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है। वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालदेन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे। किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुबहाना व तआला के बारे में कहूं। बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, तो जो आज आपने यहां सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी। एक था एक शख्स जो अपने आप को जाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताब में भी है और हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है। और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालदेन और अपने भाई से फरमाएं। जहां तक कि अल्लाह का ताल्लुक है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालदेन को कहूं, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स। और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मजहबी किताबों से, उस दिन एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मजहब में जरूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुद्ध है, और सिर्फ हमें इसकी इबादत करना चाहिए। तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन है इस्लाम के, मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो के एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं, ये ज़रूरी है मानने के लिए कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए। मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो। ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मजहबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्ला, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करते हैं। लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए और इस्लाम पे अमल करना शुरू किए, आपको यह एहसास दिलाना होगा अपने घर वालों को कि आप एक और बेहतरीन इंसान हैं। आप जो पहले थे वो दूसरे इंसान हैं और आज जो है वो और दूसरे इंसान हैं।
आपको अपनी वालदा से और मोहब्बत करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है। तो आपको यह एहसास दिलाना होगा कि आप अपनी वालदा से और मोहब्बत करते हैं, आप आपके वालिद से और मोहब्बत करते हैं। जो आप उनकी बात पहले नहीं मानते थे, आज मानना शुरू करो। सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है, वो चीज़ छोड़ के सब बातें मानो, तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते। और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो। वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे, आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुबहाना ताला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर दो में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज हार्दिक राठौड़ एंड माय प्रोफेशन इज आई एम स्टडीइंग इन कॉमर्स। सर माय क्वेश्चन इज आई एम नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मक्का, दैट एवरी पर्सन सेज दैट मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट येट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। आई कीप ऑन आस्किंग विद माय फ्रेंड्स that what actually Mecca is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Mecca is. Bhai sahab ka sawal hai ki main ab tak ye nahi jaan saka Mecca kya hai, main ye nahi jaan saka kyun kehte hai ki Mecca zameen ke center mein hai, mehwar mein hai। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट की तरफ है अमेरिका, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। सो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई, अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते कुरान मजीद में। I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? Bhai sahab ne sawal kiya ki hum dekhte hain ki musalman log apne jism ko marte hain aur khoon karte hain, kya hai? Quran Majid mein kaha bhi nahi likha hai ki musalman should pierce their body. कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मानना चाहिए। जहां तक ये सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको you want to wail and cry, maximum 3 days. तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। Hope that answers the question. माइक नंबर 1 से सवाल भाई। My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that
why God has created this universe, us, and if God is one, then why he started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? My sab ka pehla sawal ki khuda ne ishwar ne hame kyu banaya, dusra sawal ki khuda ne itne mukhtalif mazahib kyu banaye, why so many religions, aur teesra sawal khuda contradict kyu karta hai, khuda ikhtilaf kyu karta hai, pehle ye pehle wo, bhagavad gita mein fir quran mein kyu aisa contradiction hai. Teen sawal barabar. Pehla sawal ki khuda ne hame kyu banaya hai, iske upar puri takreer kiya hu main. पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी डेढ़ दो घंटे की, सवाल जवाब के साथ तीन साढ़े तीन घंटे की, वक्त नहीं है लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुभाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स. अल्लाह सुबहाना व ताला के कई मखलूकात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान, बाकी जितने मखलूकात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुबहाना व ताला का कहना मानते हैं. अभी जो इंसान है उनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने. ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल, फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो नहीं मानो. ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुबहाना व ताला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना ये लिखा गया कुरान मजीद में. अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे. अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे. सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है. मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए. आप मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए. तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइंस ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुबहाना व ताला. फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग ये पत्थर पहाड़ जानवर ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है. अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते, लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे. तो हमने बोले ना हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम यहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है. तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर. और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है. सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है. आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मजाहब क्यों बनाए, अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया है, एक ही दीन,
जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट अ विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा बट द बेसिक मैसेज वॉज द सेम। बेसिक जो पैगाम था एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने के वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा, तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड, जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काई के लिए फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पर कहता हूं, जो मैं राय देता हूं मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कहते सिर्फ कुरान में मानो, मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? यह मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात? जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है, आप इस बात को तस्लीम करते क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल वेद कुरान में वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए, बाकी है क्या बात पर डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए, बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में इंसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में इंसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है के औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे लिखे सोर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8,
बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 225 के सोर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, चार जगह लिखा है हम सोर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम अज़ कम यकसानियत पर तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। खवातीन, मैं अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हूँ तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन, मैं वीटी में काम करती हूँ काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन नास इन्न खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुबा व क़बाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। के ए इंसानो, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुबहाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण क्लास को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड क्लास, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्यास, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में इंसानियत, और इसके बारे में ऑल डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले
जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊँ, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं, लेकिन मेरे दो दोस्त एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूँ। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफरकु, कि आप आपस में इकट्ठा होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है, जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतीउल्लाह वाती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हैव बीन चार्ज विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स दो आलिम कोई भी इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है, आप समझे। तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तलाफ है, शुरू में कम से कम जो यक्सा है वो तो शुरू करो, इख्तलाफ बहुत थोड़ा है। नमाज के तरीके में इख्तलाफ बहुत थोड़ा है, जो यक्सा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे। खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यक्सा है वो तो शुरू करो, इख्तलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत ना हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था, एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना।
जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था, फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि वो दिल नहीं मानता है, ईसा अलैहि सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाह उसमत लम यलित वलम यूलत वलम याकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था, मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मजहब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरा सवाल यह है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलिम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते, ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मजहब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाइत कबूल की, पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा, ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनु इन नंबर खमर वल मैसूर वल अनजाब वल अज़लामु रिज्तुम मिन शैतान फजतनिबू लकुम तुफ्लिहून, के कहो ईमान वालों से, इन नंबर खमर वल मैसूर, के मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारे चीज़ें हराम हैं। रुस्म नमनी शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फर्स्ट नहीं बोल रुकम तफलून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़ इन नमल खमरोल मैसूरू, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम नशा है? सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट रहेगा, सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज़ स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन, आप अपने हाथ से अपनी कबर मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कबर मत खोदो, ये मोहरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो।
तो इससे पता चलता है कि सुसाइड आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद तरक्की करने का पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप मैं तकरीर सुन सकते हैं, डायटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के, जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी वाइन एवरीथिंग चरस गांजा तो बेशक बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माय नेम इज गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो, लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालदा की बात मानूँ, वालदेन की बात मानूँ या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ। बहन सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो ना वालदेन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो, ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है। और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाल्लाह अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाल्लाह पाना सिस्टर, थैंक यू। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नाइक, मेरा नाम अब्दुल है। पिछले रमजान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला कयामत के दिन क्या सजा देगा। भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है कयामत में क्या सजा। आत्महत्या करना हराम है और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सजा मिलते जाएंगी कयामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है, ये ज़िंदगी अल्लाह सुबहान व तआला हमें दी है और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। आप तमाम हज़रात ने संजीदगी का मुजाहरा किया और आखिर तक हमारा साथ दिया, प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हम आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ इस नशिस्त के अख्तिताम का ऐलान करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
अल्लाहुम्मा सल्ली।